स्टार्ट कह रहे हैं जो है बेग पराठा तो वेजिटेबल बेग पराठा है इसका जो है ना मेन चीज़ जो है इसका नाम जो है तो ये बिल्कुल हट के बनाई है रेसिपी मेरी अपनी है ये तो हमने जो घर में वेजिटेबल जितनी थी मेरे तो मैंने क्या किया उनको इकट्ठा करके तो मैंने इनको क्रश कर लिया तो यकीन करें इतना मज़े का और इतना फास्ट ये बना था तो बहुत ही ये मज़े का बना तो लग नहीं था रहा कि ये वेजिटेबल क्या बच्चों ने भी टेस्ट कर ही लिया ये जो ना बेक पराठा तो इसके लिए मैंने क्या किया दो आलू लिए थे बंद बंद गोभी ले ली और गाजर ली थी सारी वेजिटेबल्स को मैंने जो है ना जो है ना इसके साथ ग्रेट कर लिया और बहुत ही जो है ना आसान ये रेसिपी है इसको हम कुक नहीं करेंगे ना ही पैन में पकाएंगे किसी में हम ना ही अवन भी ना हो तो कोई मसला नहीं है तो ये आसान सी रेसिपी है और फटाफट फट से अवन में जो मैंने बेक कर ली थी तीस मिनट पर तो शिमला मिर्च मैंने इसमें क्रश कर ली क्योंकि वो उसके साथ नहीं होती ना तो मैंने इसको जो है ना इसके छोटे से चॉपर में डाल के और मैंने इसको क्रश कर लिया फिर बाद में मैंने क्या किया कि छोटी सी प्याज ली थी प्याज और हरी मिर्च ली इसका थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए और तीखा पन देने के लिए ना तो मैंने क्या किया इसको भी प्याज और जो है ना सबस मिर्च को मैंने इसके अंदर डालकर और मैंने इसको क्रश कर लिया तो इधर मैंने ले रही हूँ दो अंडे ले रही हूँ और जो है ना आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी का हिसाब लगा लीजिएगा जितना भी आपका दिल करे बनाने को तो मैंने तो जो है ना एक सारी चीज़ें जो थी थोड़ी थोड़ी मकदार में ली थी तो मैंने इसके अंदर दो अंडे डाल रही हूँ और साथ में मैं एक थोड़ी सी जो है ना ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और ये, ये सॉल्ट डालूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक डालूँगी ये सारी चीज़ें मैं ऑयल डाला मैंने थोड़ा सा ऑयल डालना क्योंकि इसी के अंदर ही ऑयल जाएगा वेजिटेबल के अंदर जो है नहीं जाएगा सारा कुछ इसी के अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें अंदर डाला जो है घर का ही आटा जाता जो होता है ना वही मैंने डाला जो बाहर से लाते हैं वो नहीं और मैंने इसको अच्छी से इसको मैंने जो है ना जो है ना बीट कर लिया बिल्कुल थोड़ा सा भी जो होता है ना लम्स नहीं रहने चाहिए या नमक मिर्च और वो नहीं जो है ना रहनी चाहिए तो थोड़ी सी होते हैं गुटलियाँ बन जाती हैं नहीं तो मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको फेंट के मैंने इसको ये वेजिटेबल को मैंने मिक्स कर लिया इसमें आप और भी वेजिटेबल जिस तरह आपको पसंद है आप इसके अंदर डाल सकते हैं तो मुझे जो जो वेजिटेबल पसंद थी तो अवेलेबल थी घर पे तो मैंने पकड़ा और इसकी मैंने जो है रेसिपी तैयार कर दी तो इसको सारे को मैंने इसके अंदर डाल के बैटर बैटर को तो मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ताकि ये जो है ना नजर आए कि इसका जो था पानी होता है ना पानी जैसे आ जाता है वो नजर आ जाए और ये मैं ऊपर थोड़ा सा गर्म मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा कि okay, मैं थोड़ा सा तीखा स्पाइसी जैसे हम खाते हैं तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा और डाल लेती हूँ थोड़ा सा तीखा बन आ जाता है इसके अंदर चाट मसाला डाल लें कुछ भी डाल लें आप बहुत ही मज़े का बनेगा ये तो मैंने क्या किया एक वो ट्रे ले ली बेक बेक के लिए पेपर पेपर बटन लगा कर उसके अंदर ये मैं सारा जो है ना डाल के सेट कर लूँगी अच्छी तरह से इसको हमने सारे को निकाल के और सेट कर लेना है सेट करके अच्छी तरह से बिल्कुल कोनों में भी सारा कुछ ठीक से से सेट करके कि इसका लेवल जो है ना अच्छी तरह से आए जब जब ये बेक हो जाए बिल्कुल पराठे की तरह ये बनेगा और पंद्रह मिनट मैंने इसको जो है ना बेक करना है अवन में जो आपका कोई भी अवन नॉर्मल सा है घर में उसके ऊपर तो पंद्रह मिनट जब मैंने बेक कर लिया इसको तो फिर मैंने ऊपर जो है मोजरेला चीज़ लगा ली और जो है ना इसको मैंने चीज़ को लगा के अच्छी तरह से मैंने इसको दोबारा ऊपर जो है ना ये मैंने तिल डाल दिए जैतून डाला बहुत ही मज़े का बत्ता ये भी इसका ना कलवंजी ये कलमजी मैंने डाल के तो इसको मैं पंद्रह मिनट के लिए फिर से दोबारा से अठारह मिनट तक मैंने इसको बेक किया बहुत अच्छा ये बना और बहुत ही टेस्टी था आप यकीन नहीं करेंगे ये लग ही नहीं था ताकि ये वो पराठा है तो अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का लगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको आपको बहुत ही इसका मज़ा आएगा और ये होता है ना कि स्नैक के तौर तो पे इसको यूज़ कर सकते हैं और चाय के साथ लीजिएगा इसको या कोल्डिंग के साथ सर्दियों में तो चाय होती है और गर्मियों में कोल्डिंग के साथ ही बहुत इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा आपको और ये जब भी कोई गेस्ट हो तो ये पैटिस की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह ना तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनेगा और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और हमें दुआओं में जरूर याद रखिएगा और बहुत मजे मजे की हम वीडियोस लेकर आएंगे आगे भी और जो है ना आपको जो है ना हमें कमेंट करके बताना है कि हमारी वीडियोस आपको